बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शाशलिक की रेसिपी लाई हूँ विद ग्रेवी के साथ, जो बहुत ही यमी और डिलीशियस बनती है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 300 ग्राम्स मैंने चिकन ली है और सोया सॉस लिया है, जिंजर गार्लिक पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नहीं है तो पेस्ट यूज़ कर लें। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट विनेगर चाहिए 1 टेबल स्पून और ये शुगर ली है मैंने 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सोया सॉस मैंने ऐड किया है, जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड किया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। सॉल्ट अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, वाइट विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और ब्लैक पेपर। तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है मैंने और शुगर ऐड करेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे मैरिनेशन के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर रखें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक वोक में ऑयल ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। चिकन हमारी जो है वो मैरिनेट हो गई है, मैंने 1 घंटा इसको तकरीबन रखा था। तो इसे जो है हम कुक करेंगे। फ्लेम मैंने जो है इस टाइम पे मीडियम रखी हुई है और इसे कवर करके मैं कुक करूँगी जब तक चिकन हमारी टेंडर ना हो जाए। यहाँ पर मैं इसी वॉक में जो है 1 टेबल स्पून वो मैंने ऑयल ऐड किया है और इसमें 1 टीस्पून गार्लिक मैंने ऐड किया है, साथ ही टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे 1/2 कप। 3 से 4 टमाटरों को लेके इसका जो है सिंपली ब्लेंड कर लें और टोमेटो केचप ऐड करना है 2 टेबल स्पून। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चिकन ग्रेवी रेडी होती है। यहाँ दूसरी तरफ मैं एक फ्राई पैन में जो है वो वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। मैंने प्याज और शिमला मिर्च और टमाटो लिया है, सब एक ही सेम क्वांटिटी है। तो इसे मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे कट कर सकते हैं। हाली से हमें स्टिर फ्राई करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब इसमें हमने हॉट सॉस ऐड कर दिया है ग्रेवी में 2 टेबल स्पून और इसके साथ ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है, लाल मिर्च कुटी हुई ऐड कर दी है और यहाँ पर मैं शुगर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और चाइनीज़ सॉल्ट, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और रेस्टोरेंट वगैरह में ज़रूर ऐड किया जाता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हो तो स्किप कर दें। और मैंने इसके साथ ही सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये चिकन जो है हमारी वो कुक हो चुकी है, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। वेजिटेबल्स भी हमारी स्टिर फ्राई हो चुकी हैं, इसे भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर्स का आए तो अच्छा लगता है। अब मैंने 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर लिया और सर 3 टेबल स्पून वाटर में डिसॉल्व कर लिया है और इसे हमने इसमें ऐड करना है। आपने इसकी थिकनेस को देखना है कि आपने कितनी ग्रेवी रखनी है। मेरी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखिए परफेक्ट है बिल्कुल। तो इससे हमारा चिकन शाशलिक बिल्कुल रेडी है। इसे फ्राइड राइस के साथ सर्व करें या प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर कर दें। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए हुए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।